मतलब मैं उससे उससे शादी नहीं कर सकता। भाई वो आपसे शादी करना नहीं चाहती। बार भाई हमने उसे बहुत समझाया, यहां तक कहा कि लड़कियां दिलो जान से मरती हैं आपके ऊपर, पर वो कह रही है कि वो लड़कियों में से ही नहीं है। तो कोई बात, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो ना करे। तुझसे तो कर लेगी ना। बोल। पता नहीं, तो पता कर जाकर। बल्कि जाकर उसको बता के इस जुम्मे को तेरी से शादी है। लेकिन मैं तो उसको शादी के लिए ऐसे राजी कर शादी के दिन तक कि जैसे तेरी उससे शादी हो। और निकाह के वक्त दूल्हा बदल जाएगा। दूल्हा बदल गया। कैसा दिया दास? लेकिन ये तो धोखा देना होगा। तो जो तू उसे दे रहा है वो धोखा नहीं है क्या? देखो मुझे गुंडा समझती है तो तू भी तो इसी गुंडे के साथ रह रहा है। मेरे कितने नाजायज काम को सर अंजाम देता है। तू मुझे छोड़कर तुझे क्यों अपनाना चाहती है? आप उसे वक्त है? नहीं 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 ना तबरेज, वक्त नहीं है मेरे पास। तबरेज तू मुझे क्या समझता है बता, क्या समझता है मुझे? भाई। तो भाई की होने वाली बीवी को दिल में बसाने की ठान तो नहीं ली तूने? अरदास मुझे इसकी नीयत में खोट लगता है। भाई मेरी नीयत में खोट नहीं है। तबरेज तू अपनी कसम पूरी कर, बाहर की शादी कर। और शादी तो कसम से मैं मिनसा से ही करूंगा, पर ना खुद को मार लूंगा या उसे मार डालूंगा। देख वो लड़की मुझे नहीं जानती, लेकिन तू तो मुझे जानता है। भाई हूं मैं तेरा यार, मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता तू। एक बार शादी हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वैसे भी उसके पीछे है ही कौन? हाँ उसका भाई सहारा मैं ही हूं, समझ रहा है ना? सॉरी मैंने तुम्हारे सारे कबूतर उड़ा दिए। मुझसे शादी करोगी?
हाथों से तोते उड़ते हैं, तुमने मेरे हाथों से कबूतर उड़ा दिए। रेस, तुमने कुछ पूछा, एक बार और सुन। से शादी करूंगी। अगर मैं कहूं कि नहीं करूंगी तो जिन कदमों पर आया था उन्हीं पर वापस लौट जाऊंगा, एक लफ्ज कहे बिना। तुम्हारा इनकार भी मुझे तुम्हारे इकरार की तरह मोतबर होगा, तुम्हारी ना भी मुझे मंजूर होगी। करूंगी शादी। मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तुम्हें घर दामाद बनकर मेरे साथ बहावलपुर जाना होगा, मेरे घर। घर दबा। हाँ, इसमें बुरी बात क्या है? हंस क्यों रहे हो? कोई बुराई नहीं, तुम अपने घर को खुदाफिस कहकर आई हो, अब रुखसत करके मुझे घर दामाद बनाओगी? हाँ, शायद इसी नियत से आई हूं। शर्त मंजूर तो शादी मंजूर।